ବଲିଉଡ଼ର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ଛପାକରେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଅମୋଲର ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ତାହାର ରିଅଲ ହିରୋ ଯଦି କହିବା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ଆଲୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚରିତ୍ରକୁ ସେଠି ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ସହିତ ସିଧା ଭାବରେ ଆଲୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋକଜୀ, ପହେଲେ ତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମେ ଆପକା ସ୍ୱାଗତ ହେ। ଆପ ଛା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେ ଫାଉଣ୍ଡର ହେ ଅର୍ जो एसिड सर्वाइवर हैं उन लोगों के लिए आप काम करते हैं, तो आज ओडिशा आए हैं प्रमोदिनी के शादी में, पहले उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही मतलब इस मोमेंट का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 2017 में जब सरोज और रानी इंगेज हुए, मतलब एक अलग तरह की पॉजिटिविटी है जो मतलब हमें देखने को मिलती है। जब से सरोज उनकी लाइफ में आए हैं तो रानी के अंदर जो सुधार है, जैसे एक पूरा प्रोसेस है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सर्वाइवर अपने आप को नॉर्मल कर दे, समाज में उसको एक बराबर का एक रुतबा मिले, और एक बहुत सारा टैबू होता है, बहुत सारी विचार, बहुत सारा समाज, एक सामाजिक पहलू एक बहुत बड़ा मतलब पहलू होता है जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है किसी सर्वाइवर के लिए मतलब अपने आप को कॉप अप कर पाना। तो उस पूरी चीज़ में सरोज ने जितना सहयोग दिया है, और मैं तो उनको देख रहा हूँ लगातार पिछले जैसे ट्रीटमेंट से लेकर के आज शादी तक के पूरे प्रोसेस में, मतलब सरोज एक तरीके से उनका राइट हैंड बन के सारा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी का मोमेंट है हम सबके लिए। हम लोग कोशिश, अगर कोविड नहीं होता तो पूरी टीम यहाँ आती शायद, तो इस मोमेंट का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग शादी करें, इनके मतलब मैं उस घर में जाके देखूं कहाँ रहती हैं रानी। तो मुझे मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ आके। और मैं एक बात और बोलूँ कि चूँकि ये चीज़ें जब हम पूरे कैंपेन पर काम करते हैं, जब हम एसिड अटैक के खिलाफ पूरा काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सामाजिक सहयोग इस लेवल का मिलता नहीं है। जैसे रानी ने जो कुछ अचीव किया जब से अटैक हुआ है, बहुत लंबा संघर्ष रहा है रानी का, वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, पर जहाँ से पिछले 10-11 सालों से वो संघर्ष करके आज रानी यहाँ पहुँची है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भी एक भीड़ भाड़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना एक्सेप्टेंस आ गया है, कितना मतलब यहाँ के लोकल्स का जो उनके लिए रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। और एक करेज चाहिए मतलब इस तरह का पूरा प्रोग्राम करने के लिए, इस तरह से सबको अपने साथ शामिल करने के लिए। अगर देखा जाए कि अगर सरोज की बात हम करेंगे, सरोज के जो आइडियल है आप भी उसी प्रकार के हैं, आप भी एक एसिड अटैक सर्वाइवर को शादी किए थे, तो इस उस समय अगर आपकी बात बोलेंगे तो उस समय क्या था, परेशानी क्या था, दिक्कत क्या था, अभी का मतलब जो स्थिति आप देख रहे हैं समाज में, दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं? नहीं, अंतर तो मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि बल्कि अंतर हमारे और सरोज के प्यार को भी दूसरे प्यार से नहीं देखना चाहिए। मेरे ख्याल से अंतर कुछ भी नहीं है, सीधे तौर पर समझे तो मतलब ये प्यार है जो हो जाना चाहिए। मतलब जो मुझे लगता है कि बहुत सारे सर्वाइवर के साथ मैं काम करता हूँ और मैं देखता हूँ कि प्रेम ऐसा नहीं है कि कहीं गायब है, मतलब प्रेम है। एक बहुत बार मैं देखता हूँ कि समाज उस तरह का माहौल नहीं देता है कि दो लोगों को, जैसे दो लोग शादी करना चाहें तो उनको एक तरह का माहौल दें कि वो शादी कर पाएँ, शायद कभी इतनी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं रानी की बात करूँ तो रानी पहले तैयार नहीं हुआ करती थी, रानी कहती थी जब मैं आँखों से देखने लग जाऊँगी तभी मैं शादी करूँगी। तो चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं, बाकी मुझे लगता है कि इसमें अंतर कुछ भी नहीं है, हम सबका प्यार एक जैसा है। मतलब हम सब जैसे सब लोग प्यार करते हैं, वैसे ही सरोज ने रानी को किया है, वैसे मुझे प्यार हुआ था, वैसे ही भविष्य में सबको होता रहेगा। पर अंतर इस बात का है कि समाज बहुत कम जगहों पर इसको एक्सेप्ट करता है, बहुत कम जगहों पर उतना सपोर्ट मिल पाता है जैसे सरोज को मिल पाया है, या सरोज कहूँ तो खड़े हो पाए हैं अपने समाज के खिलाफ, और फिर अपने समाज को इंक्लूड किया उन्होंने अच्छे कुछ काम करके, अच्छा मैसेज देके। तो ये मुझे समानता दिखती है मेरे ख्याल से। अगर देखा जाए जैसे कि जो भी लड़कियां हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक हो रहा है, उन लोगों को जितना मतलब समाज में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको जो एक्सेप्ट करके शादी कर रहे हैं वो भी एक रियल हीरो होते हैं। आपको लग रहा है क्या, कहीं जो फिल्म आई थी जो छपाक में थोड़ा अनमोल को जो प्ले कैरेक्टर प्ले हुआ था वो आप ही के कैरेक्टर प्ले हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा आपको कम दिखाया गया, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, पहले तो मैं आपकी इस बारी बात पे आता हूँ वापस कि मुझे इस बात से बहुत विशेष आपत्ति है। मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि सरोज ने ये काम करके कोई हीरो का काम किया है, या अगर आप मुझे उससे जोड़ती हैं तो मुझे नहीं लगता ये हीरोइज़म है। मैंने कहा पहले ही कि इसको अच्छा कैसे, जैसे मैं कहूँ कि ईमानदारी होनी चाहिए, तो ईमानदारी एक बेसिक चीज़ है, मतलब वो ईमानदारी होनी ही चाहिए ना। वैसे ही दो लोग प्यार कर रहे हैं तो उनको साथ होना चाहिए, तो प्यार मतलब मैं फिर बता रहा हूँ कि मतलब इसको आप अलग से ना देखें। इसमें सरोज किसी तरह हीरो नहीं है मेरे लिए, या मैं खुद को कहीं हीरो नहीं देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से मतलब अगर किसी का प्यार उस लेवल तक जा पा रहा है कि वो लोग वहाँ शादी कर पाएँ, लाइफ पार्टनर बन पाएँ, तो ज़रूरी है, मतलब अच्छा है।
लोग जैसे लक्ष्मी को जैसे फिल्म छपाक आई तो लक्ष्मी को बहुत खूब कम समय में लोग अपना लिए, तो लेकिन सरोज को कहीं ना कहीं मतलब सरोज का किरदार थोड़ा पीछे रह गया, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये फिल्म चूँकि लक्ष्मी की बायोग्राफी थी इसलिए उसमें लक्ष्मी का करेक्टर जितना होना चाहिए उतना है, और जब कभी बायोग्राफी चूँकि लक्ष्मी की है इसलिए उनके बारे में दिखाना चाहिए। और जैसे मैं अभी आपको बात करते बता भी रहा था कि कैंपेन का भी पूरा कोशिश ये है कि हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनको मतलब जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उनको फ्रंट रनर होना चाहिए। अगर रानी ने खुद से हिम्मत नहीं दिखाई होती, अगर रानी ने मतलब इतने सालों में अपने आप को इम्प्रूव करके आज कुछ अच्छा नहीं किया होता तो रानी के लिए ये एक्सेप्टेंस मुश्किल था। तो मेरा मतलब है कि एक सर्वाइवर मेहनत कर रहा है, मतलब वो अपने अभियान के साथ काम कर रहा है, वो अपने मुद्दों को सामने रख रहा है, तो उस पैटर्न पे हम लोग चलते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो मूवी बनी थी ये मूवी भी उसी पैटर्न को ध्यान में रखते बनी थी कि एक सर्वाइवर का क्या चैलेंज है। एक ऐसी ये लक्ष्मी तो एक सिंबल है के जो चैलेंजेस थे वो लगभग सारी सर्वाइवर्स के चैलेंजेस हैं। तो कोशिश ये है, ये थी इस फिल्म की भी कि मतलब एक सर्वाइवर के सारे चैलेंजेस सामने आए। ऐसी रेट है कि इतनी नई कॉज है, मैं कहूँगा कि इसके बारे में बहुत बात नहीं हुई है। तो ये फिल्म की कोशिश ये ज़्यादा थी कि एक सर्वाइवर की रियल समस्याओं से लोग रूबरू हों और फिर कनेक्ट कर पाएँ, फिर ये समझ पाएँ कि गलती उस क्रिमिनल की है, उस लड़की की नहीं है। जैसे समाज क्या करता है कि वो क्रिमिनल जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत बार आप देखेंगे उनकी शादियाँ हो जाती हैं या उन्हें समाज में एक सामान्य पोजीशन मिल जाती है, नौकरियां भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक सर्वाइवर चूँकि अपने चेहरे की वजह से, अपने मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, अपने लीगल इश्यूज़ की वजह से हमेशा समाज में ऐसे लोग देखते हैं उसको कि जैसे उसकी कोई गलती हो, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। मतलब सारी कोशिश ये है। तो मैं इस पूरी शादी को भी उस तरह देखता हूँ कि भाई ये शादी कैसी है, ये मेरी शादी क्या कहना चाह रही है। देखिए इस शादी ध्यान से देखिए तो यही नेबरहुड था जहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं मिला था रानी को, यही नेबरहुड था जहाँ पे रानी को डर लगता था वापस आने में, रानी को लगता था कि मैं अपने उनके परिवार के लोग उनको मतलब शायद एक समय ऐसा था जब उनको क्रिटिकल निगाहों से देखते थे। आज जब रानी ने कुछ खास किया है, जैसे वो बहुत सारे लोग ही मदद कर रही हैं, खुद उठ खड़ी हुई हैं, और जो रानी कर रही है दूसरे नहीं कर सकते, हिम्मत एक मिसाल है, तो इस वजह से शायद आज पूरा समाज भी उनको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये मतलब ये पूरी जर्नी है ना, ये लक्ष्मी थी, यही सर रानी की, यही रितु रूपा या जो भी आप सर्वाइवर को मिलते हैं उनकी जर्नी है कि उन्हें पहले उसी समाज से लड़ना पड़ा है और फिर उसी समाज ने उन्हें एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए इस पूरी चीज़ को ऐसे देखा गया। कानपुर के छोटे से शहर से आप आए हैं और छा फाउंडेशन का फाउंडर हैं, बहुत सारे सर्वाइवर को आप एकत्रित किए हैं, कम किए हैं, तो जैसे कि लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक होता है, लड़कों के ऊपर भी होता है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि लड़कियों के ऊपर होता है तो लोग जानते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और लड़कों के मतलब ये होता है वो लोग किस हिसाब से सर्वाइव हैं? देखिए लड़कियों पर जो अटैक होता है उसमें एक पहलू और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे समाज में ना ब्यूटी को लेके भी एक टैबू है। हमारे समाज में काली लड़की गोरी लड़की का भी को भी एक दिक्कत उठानी पड़ती है, थोड़ी मोटी हो जाए लड़की तो भी दिक्कत उठानी पड़ती है, तो जो हमारे यहाँ इस वजह से एक और ज़्यादा चैलेंज बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम मेडिकल चैलेंजेस देखें तो होता है। और एक और बात भी है कि अभी ये जो लड़कों के ऊपर एसिड अटैक के मामले हैं ये अभी हाल ही में रिपोर्ट हुए हैं पिछले 2-3 सालों से, चूँकि डेटा अब ठीक से आने लगा गवर्नमेंट का, इस बारे में पहले डेटा नहीं अवेलेबल था तो उन लोगों को नहीं जानकारी थी कि मेल पर भी एसिड अटैक हो रहे हैं, तो अब इस पर भी नए सिरे से हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि महिला तक सीमित नहीं रहे, अगर आपको लगता है कि ये नहीं महिलाओं के खिलाफ ये अपराध हो रहा है हमें निश्चिंत रहना चाहिए, तो मैं इसको फिर से दोहराऊंगा कि कोई भी अपराध पहले अगर किसी कमज़ोर को सता रहा है वो आप पे भी वापस आ सकता है। और आप देखेंगे आप लगभग 45% मेल सर्वाइवर भी है टोटल नंबर्स में, तो ऐसे हुआ क्योंकि एबिलिटी ने ना मतलब उसकी वजह से ये क्राइम बहुत नॉर्मल हो गया है। लेकिन जैसे हाई कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के होने के बाद मतलब कड़ा नियम होने के बाद भी अभी खुले एसिड मिल रहा है, इसके बारे में छाव के आगे का क्या रहेगा, क्या काम? देखिए छाव फाउंडेशन तो एक छोटी सी संस्था है, अभी संस्था जो कि ज़्यादा कोशिश रिहैबिलिटेशन की तरफ भी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे सर्वाइवर हैं जिनकी ज़िंदगी उस समय फंसी हुई है कहीं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एसिड सेल को पूरे इंडिया में रोकना मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए शायद असंभव है, और एक या 100 ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि जो लीगल अवेयरनेस है, जैसे कि अब इस पर लॉ बन गए, लेकिन हमारे लोकल अधिकारियों को पता ही नहीं है ऐसे, मतलब इस बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस बारे में हम कोशिश करेंगे जो हमारे कैंपेनर्स हैं वो लोग भी बात करें, मतलब वो सब जो लड़कियां तैयार हो रही हैं ये इन लोगों के अपने ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हर एक लड़की ये कोशिश कर रही है कि इस बारे में मास अवेयरनेस की जाए। एक फाउंडेशन के आप मतलब इंडिया के जाने माने फाउंडेशन जो छा फाउंडेशन सब जानते हैं, उस फाउंडेशन जो एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए एक ही फाउंडेशन है जो अच्छे से काम करता है, वहाँ के आप फाउंडर हैं, लेकिन आपका अगर आपको कोई देखे तो पता नहीं चलता है कि आप फाउंडर हैं। क्योंकि ये फाउंडर कैसे हुआ हो कि मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया, कुछ लोगों की हेल्प करना शुरू किया,
वहाँ से चूँकि ये काम दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा लोगों के साथ काम करने लगे, तो मुझे खुद भी कभी कभी नहीं महसूस होता है ऐसा, मेरी एज भी वैसी नहीं है कि मैं थोड़ा इस तरह महसूस करूँ, पर मुझे लगता है कि ये काम था जो मुझे अब करते करते 6-7 साल हो रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है, बल्कि कि मैं बहुत मतलब मैं देश भर में इस बहाने, जैसे मैं उड़ीसा आया तो मेरा एक लोकल परिवार जैसा लगता है, मैं यहाँ आया तो मुझे मतलब होता ना जो हमने जैसे जब वो लोग वहाँ आते हैं तो हम उन्हें अपने घर पे होस्ट करते हैं, तो वैसी ही फीलिंग मुझे यहाँ मिल रही है, तो मुझे तो बस ऐसे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ परिवार के साथ शामिल होने आया था। आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँ इस जगह पे हूँ, मतलब इस शादी के बीच में हूँ, मुझे लगता है कि मैसेज ये होना चाहिए कि जब भी कभी दो लोग प्यार करें, वो चाहे सर्वाइवर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं यूँ ही कह रहा हूँ कि दो लोग प्यार करें, उन्हें लोग सपोर्ट करें, और ऐसे मामलों में जहाँ पे जब आप देखें कि समाज में अगर आपके आसपास कुछ किसी के साथ गलत हुआ हो, स्पेशली लड़कियों के साथ बहुत तरह के अपराध हो रहे हैं आज के समय, तो उस समाज को शायद थोड़ी सी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा साथ आने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के माहौल, इस तरह के सेलिब्रेशंस और देखने को मिलें, क्योंकि आप देखेंगे बहुत कम बार हमें ऐसी शादियाँ देखने को मिलती हैं, हम गिन सकते हैं उंगलियों पे, ये अनलिमिटेड, ये मतलब ये हर एक केस में ऐसा होना चाहिए, तो यही मैसेज है कि लोगों को थोड़ा उदार हो जाना चाहिए, शायद थोड़ा बेहतर हम समाज देखेंगे। जी आम सहित थिले छा फाउंडेशन फाउंडर आलोक दीक्षित, तांको कहिबा मुताबक समस्त भितरे से गोटे ही जिनस रहिबा कथा मानविकता, एवं मानविकता रहिले ही प्रेम सफल पूर्णच्छेद लागि पारिबो। तितुल्लु कैमरा पर्सन टुना मंडल सह शत्रुपा सामंतराय, अर्गस न्यूज़।